मामला इसी पर बात इससे पहले बताइए कि अब तक तहकीकात में पेश क्या वो जो शवाहिद पेश किए गए नकीब के वो नाकाफी है, जिसके बाद जो है फौरी तौर पर राव अनवार और टीचर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए जाए। इसके अलावा इस सिलसिले में तमाम अहलकारों और अफसरान के नाम जो है वो डाले गए। पहले स्टेप में जो पहला मरहला किया गया है किसी की जानी उसको ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है SSP मलिर को उनके अहदे से हटा दिया जाए और उनकी जगह नया SSP कायदा किया जाए। इसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन मलिर जो है मलिक अल्ताफ को भी फौरी तौर पर उनके अहदे से हटा दिया गया, उनकी जगह नया इन्वेस्टिगेशन अफसर कायदा किया गया। आईसीसी का कहना है कि तमाम इकदाम इसलिए किए गए हैं ताकि जो इंक्वायरी है वो साफ और शफाफ हो और किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो सके। इसके अलावा ये भी आईसीसी की जानिब से बताया गया है कि जो नकीब जिसका इंकाउंटर किया गया है ये गलत नाम की वजह से किया गया है। 2014 में जो नकीब मफूर था पुलिस के मुकदमे में सचिन थाने में, वो नकीब दूसरा है और ये नकीब जिसका इंकाउंटर किया गया है जिसका नाम नसीब उल्लाह महसूद है, ये एक अलग आदमी है जो गलत नाम की वजह से इसका इंकाउंटर कर दिया गया। नाम की लड़ाई तक ताकि नाम सीएम में नाम डालने के लिए आईसीसी की जांच खत्म किया जा रहा है, क्योंकि तमाम पाकिस्तान बस एयरपोर्ट से दाखिली और खारजी रास्ते वहाँ पे ये खत जो है ये नोटिफिकेशन जो है ये